नमस्कार, मैं हूं केशव आनंद और इस वक्त मैं खड़ा हूं शिवहर समाहरणालय के नज़दीक, जहां कुछ लोग मेरे साथ खड़े हैं और आइए जानते हैं इनसे क्या है, किन मुद्दों पर इस बार करेंगे चुनाव और किन मुद्दों पर डालेंगे वोट, क्या होगा मुद्दा, चुनावी मुद्दा आप लोगों का किस आधार पर? चुनावी मुद्दा विकास का है, देश हित का है, चुनावी मुद्दा पर ही हम लोग वोट देंगे और देश हित में जो देश के लिए कार्य कर रहे हैं, गरीबों के लिए कार्य कर रहे हैं, जो किसानों के लिए कार्य कर रहे हैं, वह नरेंद्र भाई मोदी हैं, उन्हीं को हम लोग वोट करेंगे अपना और उन्हीं के साथ रहेंगे, इसलिए कि सबसे अच्छा देश हित में वही आज तक काम किया है, चाहे वह बिजली का हो, चाहे गरीबों का शौचालय का हो, या 5 लाख का हेल्थ कार्ड हो गरीबों का, या आपका जनधन योजना हो, या मतलब विकास कार्य नरेंद्र मोदी आपके हिसाब से बहुत ज़्यादा किए, क्या कौन होने चाहिए प्रधानमंत्री देश के, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी जी, सबके साथ मिलजुल कर विकास करने वाले ही नेता है नरेंद्र मोदी, देश के हित में। नरेंद्र मोदी है विकास के नेता, आपका क्या कहना है, मतलब कि शिवहर की जनता किस आधार पर वोट कर रही है, क्या शिवहर में विकास उस हिसाब से हुआ है जिस हिसाब से लोगों को उम्मीद थी? हुआ है, शिवहर में विकास हुआ है, माननीय सांसद रामा देवी ने विकास किया है। और बुनियादी मांगे क्या है शिवहर की? रेल लाइन। वो मिला क्या रेलवे लाइन? अभी नहीं मिला है, लेकिन आशा है कि हम नरेंद्र मोदी का सरकार बनेगा तो मिलेगा ही। कितने वर्षों से हैं सांसद यहाँ की भाजपा सांसद? दस वर्षों से हैं। अब तक तो नहीं मिला? नहीं मिला, लेकिन मिलेगा, जरूर मिलेगा, पूर्ण विश्वास है। कौन होंगे प्रधानमंत्री देश के, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी, किसको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री? हम लोग फिर से पुनः से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में देखना चाहते हैं, एक बार फिर से मोदी सरकार। किन मुद्दों पर होगा चुनाव इस बार, आप मतदान करेंगे किन मुद्दों पर, क्या मुद्दा? विकास, विकास का मुद्दा है यहाँ। कौन कर रहा है विकास? नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं विकास, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा होना चाहिए। कौन होंगे, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? किन मुद्दों पर होगा चुनाव इस बार? जो आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश का विकास किया है, वह जो है इतने काबिले तारीफ है कि पूरे भारत की जनता के दिल में मोदी जी बिल्कुल छा गए हैं, और विकास के लेकर ही मतलब पूरे देश की जनता, मतलब अधिकतम जनता नरेंद्र मोदी को वोट करेंगे, और अगले साल की अपेक्षा इस साल चढ़ बढ़ कर खूब अधिक से अधिक मतलब सीट लाने का हम लोग कथक प्रयास करेंगे। मुद्दा क्या है, क्या है विकास हुआ है, रेलवे लाइन की मांग है बरसों से, रेलवे लाइन मिला क्या शिवहर को? तो रेलवे लाइन के लिए जो है सो पहल किया गया सांसद जी के द्वारा, और उनके पहल के फल स्वरूप सांसद हैं वो, और सांसद तो है विगत 10 सालों से, तो 5 साल पहले उनकी सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, इधर 5 साल में उन्होंने पास कराया है, और अभी भी 10 साल होने के बावजूद अभी उम्मीद है आपको कि विकास होगा? हाँ, विकास तो काफी हुआ है सर, विकास तो इतना हुआ है इस क्षेत्र में, हमें लगा पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, डिग्री कॉलेज, और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से इतनी सड़कें की निर्माण की गई है कि पूरा शिवहर में सड़कों का जाल बिछा दिया गया है, ऐसा कहीं से सड़क नहीं है जो समझिए कि आने में वहाँ कच्ची रोड आपको मिले, और उसके अलावा सांसद जी ने आपको जैसे एक नया हॉस्पिटल भी शिवहर को देने के काम किए हैं, बहुत सीताराम सरोजा अस्पताल जो है 100 बेड वाला वो पास हुआ है, और मातृत्व हॉस्पिटल भी नया पर खुलने का काम किए हैं, बहुत सारे विकास इनके रीजन में इतना हुआ है, और भी जो मांग है विकास का वो रेलवे है, जो उन्होंने वादा किया है कि साल भर में ही रेलवे का काम शुरू कर दिया जाएगा, और काफ़ी अधिक मतों से इनको चुनाव में यहां से जिताने के लिए लोग प्रेरित हैं। कहता बहुत पिछड़ा है, इलाका है, खुद सरकार भी मानती है कि बहुत पिछड़ा है आपका विकास हो रहा है, तो किस आधार पर वोट होगा इस बार? देखिए, रेलवे लाइन नहीं है, 10 साल से एक ही सांसद रही है, अगर रेलवे लाइन नहीं है फिर भी आप कर रहे हैं वही बनेंगे इस बार, किस आधार पर? देखिए, आधार कुछ नहीं है, मोदी जी के नेतृत्व में जो पूरा भारत अभी हर एक युवा उनके साथ खड़ा है, इसके लिए हम सभी युवा मोदी जी के समर्थन कर रहे हैं। रही बात विकास का, तो शिवहर में बहुत सारी ऐसी विकास हुई है जो आज तक नहीं हुआ है, और हम ये देखना चाह रहे हैं कि भारत के जो हमारे प्रधानमंत्री जो जिस प्रकार से अनेक प्रकार का काम किए हैं हमारे देश के लिए और महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, आम युवाओं के लिए, तो वो बहुत ही सराहनीय है, जिसके कारण हम लोग मोदी जी को समर्थन कर रहे हैं, और शिवहर से उनका जो भी कैंडिडेट है माननीय श्रीमती रामा देवी जी, उनको हम लोग वोट देने का काम करेंगे। विकास तो होगा ही, क्योंकि पिछले कई विगत वर्षों से विकास के काम तेजी से यहाँ चल रहा है, और लगभग हमको लगता है
कि विकास से आपको इन 5 सालों में शिवहर की कोई भी ऐसी समस्या नहीं रहेगी जो छूट पाएगा और विकास बहुत होगी और माननीय को हम लोग जिताएंगे और मोदी जी को हाथ को मजबूत करेंगे। और शिवहर संसदीय क्षेत्र में इस समय मेरे साथ कुछ किसान खड़े हैं, इनकी अपनी समस्याएं हैं, आप लोग किस आधार पर वोट करेंगे इस बार? हम लोग जो है जो किसानों की समस्या को समाधान करेगा, जो सरकार जो प्रतिनिधि हम लोग उसको वोट करेंगे। कौन कर रहा है, किससे उम्मीदें हैं? हम लोग जो है उम्मीद जो है जो करे दोनों पार्टियां जो है जो पार्टियां हैं, जैसे कि नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के साथ वादा किया कि हम स्वामीनाथन आयोग को लागू करेंगे, गन्ना किसानों का पेमेंट हम जो है अप टू डेट करेंगे, लेकिन कोई घोषणा तो कर रहे हैं लेकिन कोई काम सर जमीन पर नहीं दिख रहा है। इस बार किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? हम लोग जो है जो काम करेगा किसानों को मजदूरों का उसको हम देखना चाहते हैं। दोनों में से किसको देखना चाहते हैं? नहीं नहीं नहीं, सवाल जो है काम करेगा हम उसको देखना चाहते हैं। हम किसान मजदूर को दोनों में से कोई अभी जो है पहले ही हम लोग जवाब दे दें। किसको किस आधार पे करना चाहते हैं वोट? हम लोग किसान देख रहे हैं, किसान मर रहे हैं, नरेंद्र मोदी देख रहे हैं कि किसान क्या कर रहे हैं। तो किसको बोलिए ना, कौन चाहिए हमें? नरेंद्र मोदी चाहिए, लेकिन फिर भी ये तो काम करे ना, अभी फैक्ट्री बंद करने के लिए अलाउ दिया, हम लोग देख रहे हैं कहाँ पहले गुंडी पर जाकर देखिए था। गन्ना किसानों की समस्याएं हैं, गन्ना किसानों में इस बात को लेकर आक्रोश है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये देखना चाहते हैं आप, आपकी क्या समस्या, क्या क्या रहेगा मुद्दा? सर लोकल में अगर ये देखते थे यहाँ पे जैसा गन्ना के कारण हम लोग के यहाँ पर जमा सड़क पर जो होता है अपना अतिक्रमण वगैरह थोड़ा ज्यादा हो चुका है, हम लोग का जाम का समस्या ज्यादा रहता है, तो ये सर लोकल पे, बट सर राष्ट्रीय स्तर पे देखना चाहेंगे तो सर हम लोग नरेंद्र मोदी से ही ज्यादा अपेक्षा करते, तो हम लोग उसी को नरेंद्र मोदी के ही सांसद हैं यहाँ 10 सालों से, क्या उन्होंने क्या किया? सर उन्होंने काफी कुछ सुधार किया है, जैसा आप गांव भर की अगर देखते हैं तो वहाँ पर पहले जो हम चलने के लिए हम लोग की सड़क नहीं था वो सुधार हुआ है, बट जितना चाहिए था सर उतना है नहीं, इसलिए मौका हम लोग दे सकते हैं उनको सर अभी भी। एक बार और नरेंद्र मोदी को हम लोग मौका देंगे, हम लोग एक बार और मौका देना चाहते हैं लोग, किसको किसको देखना चाहते हैं? स्थिति हमारे यहाँ जो किसानों का जो स्थिति बना हुआ है यहाँ पे, इतनी कष्ट है यार्ड में, अभी चल के देखा जाए एकदम पूरा कचाखच भरा हुआ है, कोई देखने वाला यह नहीं है। नहीं देखने वाला तो किसको प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना? वो तो हम देखेंगे जहाँ हमको ये लगेगा। राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में सवाल उस चीज को हम कैसे आपको बता देंगे, वो तो हमारे अपने हाथ अंदर की बात है, वो हम नहीं बता सकते आपको ना। तो ये था शिवहर संसदीय क्षेत्र के लोगों की राय, नाराजगी भी है फिर भी नरेंद्र मोदी को ही लोग प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। केशव आनंद, बिहार तक, शिवहर।